नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिलावल टरबाइन के बारे में। व्हाट इज डिलावल टरबाइन? डिलावल टरबाइन आखिर है क्या? डिलावल टरबाइन इज अ सिंपल इंपल्स टरबाइन इन विच स्टीम स्ट्राइक्स ऑन द ब्लेड्स फ्रॉम ए फ्लैट नोजल एंड ब्लेड्स स्टार्ट रोटेटिंग एंड टरबाइन स्टार्ट मूविंग। The flare of nozzle causes expansion of the steam and hence change its pressure energy into kinetic energy. Dilawal turbine क्या होती है? Dilawal turbine एक simple impulse turbine होती है, जिसमें जो steam होती है वो flared nozzle से निकलती है और blades पर strike करती है, तो blades rotate होने लगती है। अब blades के rotate होने से turbine चलने लगती है। अब जो इसमें nozzle से स्टीम फ्लेयर होती है उसके कारण स्टीम का एक्सपेंशन होता है और जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगती है। इस टरबाइन को सबसे पहले स्वीडिश इंजीनियर कार्ल जीपी डिलावल ने 1878 में डेवलप किया था और उस टाइम पे उन्होंने एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सुपरसोनिक नोजल का यूज करके इस टरबाइन को मैक्सिमम 100,000 आरपीएम यानी कि 1,00,000 आरपीएम पर रन किया था। कंस्ट्रक्शन, डिलावल टरबाइन के कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? डिलावल टरबाइन का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। जनरली इसमें एक रोटर होता है जो कि रोटेट करता है। रोटर में ब्लेड्स लगी होती हैं और ब्लेड्स के ऊपर नोजल्स को सेट कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा रोटर होता है वो एक ड्राइविंग शाफ्ट से मींस ड्राइव शाफ्ट से कनेक्टेड होता है और ये जो ड्राइव शाफ्ट होता है जनरेटर से कनेक्टेड होता है। वर्किंग, अब समझते हैं कि डिलावल टरबाइन वर्क कैसे करती है। जैसे ही डिलावल टरबाइन में स्टीम या वाटर से स्ट्राइक की जाती है इसकी ब्लेड्स पर, तो इसकी ब्लेड्स जो है वो रोटेट होना शुरू कर देती है। ब्लेड्स के रोटेट होने पर जो जनरेटर लगा होता है इसके शाफ्ट से कनेक्टेड होता है वो भी रोटेट होने लगता है और हम पावर जनरेट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिलावल टरबाइन, डिलावल टरबाइन के क्या क्या एडवांटेज? डिलावल टरबाइन में जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो सिर्फ नोजल में होता है, मूविंग ब्लेड में नहीं होता। दूसरा, इसमें वाइब्रेशन एंड नॉइज और मिनिमाइज्ड, मींस जो वाइब्रेशन और नॉइज होता है वो इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रोटर कैन बी डन एक्यूरेटली, जो इसमें रोटर होता है उसकी बैलेंसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। अगला है, दिस ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड सुटेबल फॉर स्मॉल पावर जनरेशन, जो डिलावल टरबाइन है बहुत ही कम स्पेस लेती है और छोटे पावर जनरेशन के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। डिसएडवांटेज ऑफ डिलावल टरबाइन, डिलावल टरबाइन के डिसएडवांटेज क्या क्या है? नॉट मच पावर कैन बी डेवलप्ड, इस टरबाइन से ज्यादा पावर जनरेट नहीं की जा सकती। इफिशियंसी इज फाउंड लो, क्योंकि इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है। इट कैन नॉट वर्क वेल अंडर लो प्रेशर स्टीम, यह हाई प्रेशर स्टीम पर वर्क करता है इसीलिए लो प्रेशर स्टीम पर ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता। दिस वर्क ओनली सिंगल स्टेज सो इट कैन नॉट जनरेट मोर पावर, और जो ये टरबाइन है ये सिंगल स्टेज पर स्टीम का एक्सपेंशन करती है जिसके कारण इसमें ज्यादा पावर जनरेट नहीं होती। इट काजेस टू मच हीट लॉस, और इसके कारण इसमें बहुत ज्यादा हीट लॉस होता है। आई होप
इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।